भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म, जिस वर्ड ने बॉलीवुड पर काफी सवाल खड़े किए हैं, इसी नेपोटिज्म को लेकर कॉफी विद करण सीजन 8 का नया एपिसोड खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार करण के शो पर अजय देवगन और रोहित शेट्टी साथ में पहुंचे और करण के साथ शो में कॉफी शेयर करते हुए उन्होंने कर दिए कुछ ऐसे कन्फेशन जो बन गए न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। शो पर बात करते समय अजय देवगन ने नेपोटिज्म जैसे टॉपिक पर खुलकर बात की। उन्होंने शो में कहा, 30-40 साल निकल जाते हैं, चाहे आप इंडस्ट्री के हो चाहे ना हो, संघर्ष सबके लिए बराबर होता है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है। आज हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे दोनों घुटने टूटे हुए हैं, लेकिन लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते। उन लोगों को लगता है कि हमें सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया है। आप लोगों को क्या लगता है अजय की इस बात पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद अजय ने रोहित शेट्टी का भी एग्जाम्पल दिया और बताया कि जब रोहित इंडस्ट्री में आए थे तब वे असिस्टेंट डायरेक्टर थे और खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, और आज ये बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं। तो लोगों को लगता है कि इससे क्या मेहनत की होगी। वहीं इस चैट शो पर अजय देवगन ने अपने पिता वीरू देवगन का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने आगे बताया, कैसे लोग मुंबई आते हैं और खुद को साल भर का समय देते हैं, अगर प्रोजेक्ट नहीं चलता तो वे हर 6 महीने में प्रोडक्शन हाउस जाते हैं और उनसे काम मांगते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।